हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए 25 अरबी के नए जुमले लेके आए हैं जो नए लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 13 जुमले, यानी उसका सिर्फ सवाल ये है कि आप कैसे हैं या फिर क्या हाल है, उसके जवाब भी बताए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमको सिर्फ यही पता होता है कैफल हर है ना, यानी क्या हाल, लेकिन इसके 13 तरीके हैं जो मैंने नोट किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी जरूर देखें। उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आप कैसे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, आप कैसे हैं या फिर क्या हाल है, तो इसको जो है 13 तरीके से बताया मैंने। क्या आप कैसे हैं, कैफ हालिक, आप कैसे हैं, कैफक इंता, दूसरा, उसके बाद में तीसरा, आप कैसे हैं, कैफल हाल, आप कैसे हैं, कैफ इंत, ठीक है, कैफ इंत, या फिर आप कैसे हैं, श्लोनिक, इसका भी मतलब वही होता है। यानी ये 13 तरीके जो मैंने बताए हैं, आप कैसे हैं, कैफ हालिक, आप कैसे हैं, कैफ इंता, आप कैसे हैं, कैफल हाल, आप कैसे हैं, या फिर क्या हाल है, इसमें आप पूछ सकते हो क्या हाल है, कैफिनता, क्या हाल है, अश्लोनिक, क्या हाल है, कैफ हालिक, ठीक है, यानी आप कैसे हैं, क्या हाल है, ये मिला जुला के एक ही होता है, लेकिन उसका जो जवाब होता है वो कई तरीके से, जिसमें मैंने 13 तरीका नोट किया है। उसके बाद में आप कैसे हैं, कैफ अमूरक, आप कैसे हैं, कैफ सह, ठीक है, यानी ये सब सऊदी लोग ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली बस वही बोलते हैं, कैफ हालिक या फिर कैफल हाल। लेकिन अगर आपको ये पता होगा, आपसे कोई पूछेगा, तो आप इसका जवाब जो है आसानी से दे सकते हो, इसलिए मैंने जो है ये सारा तरीका नोट किया है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कैफ सह, आपको इसका जवाब पता ही नहीं है, तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में आपका, आप सब कैसे हैं, कैफ कुम, यानी जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको मिला के अगर कोई पूछता है आप सब कैसे हैं, यानी कैफ कुम, कैफ कुम बोलेगा तो इसका मतलब होगा जितने सारे लोग आपके साथ में, 2, 3, 4, 10 जो भी हैं, उन सब के लिए कैफ कुम, ठीक है। या फिर कैसे हो दोस्त, ये भी एक तरीका होता है पूछने का, है ना, कैफे हो, कैसे हो दोस्त, कैफ इंतया सदीक, आप कैसे हैं या क्या हो रहा है, कैफक शु अखबारक, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कैफक शु अखबारक। उसके बाद में आपकी तबीयत कैसी है, मान लीजिए आपको किसी से पूछना है, कोई बीमार था या कुछ मुश्किल था उसके साथ में, आप पूछ रहे हो उससे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो इस तरीके से आसानी से आप पूछ सकते हो कैफ सेहतिक, ठीक है, या फिर क्या आप ठीक हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं ना, क्या आप ठीक हैं, हल इंता बखैर, ठीक है, हल इंता बखैर, क्या आप ठीक हैं, या फिर और सब ठीक है ना। कई तरीके से जैसे हम सवाल पूछते हैं वैसे जवाब भी होते हैं, तो इसीलिए मैं जो है आप लोगों को बस समझाने के लिए इसे घुमा फिरा के बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको कोई सोचे बढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा मकसद बस सिर्फ आपको सिखाना होता है। और सब ठीक है ना, कुल्लु शय कोइस, कुल्लु शय कोइस, और सब ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसके जवाब में बोल सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं ठीक हूँ आना कोइस, ठीक है, इसके जवाब में मैं ठीक हूँ अना कोइस, अब सारे जवाब आपको मिलेंगे, मैं ठीक हूँ, एक अना कोइस हो गया, दूसरा अना बखैर, अना बखैर, मैं ठीक हूँ, अना बखैर, मैं ठीक हूँ, ठीक है, ठीक हूँ और आप, यानी आप उसके जवाब में पूछ रहे हो कि मैं तो ठीक हूँ और आप, तो बखैर व इंत, बखैर व इंत, यानी ठीक हूँ और आप, मैं ठीक हूँ और आप, तो बखैर व इंत, ठीक है, ठीक है सिर्फ का मतलब अगर तमाम बोल देंगे तो भी हो जाएगा। मान लीजिए आपसे आपसे किसी ने पूछ लिया कैफल हाल, आप बोल सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, या फिर बोल सकते हो तमाम तमाम, यानी ठीक है, सब ठीक है, कुल्लु तमाम, सब ठीक है, कुल्लु तमाम, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, अना कोइस अल्हम्दुलिल्लाह, अना कोइस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, यानी हर चीज़ में हम अल्लाह का शुक्र के साथ में अगर बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, तो इसमें जो अल्लाह का शुक्र भी हो जाएगा और आपका जवाब भी हो जाएगा, ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, मुझे पहचाना क्या, आप किसी से पूछ रहे हो मुझे पहचाना क्या, हल तारफ्त अलैया,
मुझे पहचाना। आप किसी से मिले और आपने काफ़ी दिन के आप अगर काफ़ी दिन के बाद में आपसे किसी से मिला, आप उससे पूछ रहे हैं कि मुझे पहचाना क्या, हल तारफ्त अलैया, हल तारफ्त अलैया, हाँ पहचान लिया। आपसे किसी ने पूछा हल तारफ्त अलैया, आप जवाब दे रहे हो हाँ पहचान लिया। नाम मुतरफ, मुतरफ, ठीक है, इसमें बीच में आयन है लेकिन मैंने हिंदी में लिखा है, तो अरबी में अगर लिखता तो आयन भी साथ में लिखता, मुतरफ, ठीक है, हाँ पहचान लिया। नाम मुतरफ, मैंने आपको नहीं पहचाना, अगर नहीं पहचाना तो आप ज़रूर से बोलोगे कि मैंने आपको नहीं पहचाना, तो इसको अरबी में आप बता सकते हो लम आरफ आरफिक, ठीक है, लम आरफिक, या फिर हाँ मुझे पता है, नाम आरफ, क्या आप व्यस्त हैं, हल इंत मशगूल यानी बिजी। तो दोस्तों ये थे 25 जुमले जो आप लोगों को बता दिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।